नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। छतरपुर जिले के नौगांव में पदस्थ नायब तहसीलदार द्वारा पुलिस थाने में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एसडीएम कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा विगत 19 जून की रात उनके घर में घुसकर उनसे अभद्रता की गई एवं उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। नौगांव पुलिस ने महिला नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर नौगांव एसडीएम के ऑपरेटर आदित्य पाठक के विरुद्ध हरिजन एक्ट एवं 307 के तहत मामला दर्ज किया है। नायब तहसीलदार ने आवेदन में आरोप लगाया है कि ऑपरेटर आदित्य पाठक काफी दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा अपने परिजनों एवं आदित्य के परिजनों से भी की गई थी, लेकिन तब से वह और परेशान करने लगा। विगत 19 जून को रात 12 बजे बंगले के अंदर दीवार फांदकर वह घुसा और छत से चढ़कर उसके कमरे में पहुंच गया, जहां वे सो रही थी। आदित्य पाठक एक हाथ में चाकू और एक हाथ में कट्टा भी लेता गाली गलौज करते हुए उनके साथ अभद्रता की एवं जान से मारने की कोशिश की। आज तहसील कार्यालय में पदस्थ एक महिला अधिकारी के द्वारा एसडीएम कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर आदित्य पाठक के द्वारा 19 तारीख को रात में उनके घर में घुसकर जान से मारने का प्रयास की एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेकर आई है, जिसमें धारा 307 के साथ हरिजन आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं का उपयोग किया गया है, पंजीबद्ध किया गया है, बेचना की जा रही है।